हाँ जी, कैसे दोस्तों। तो SBI क्लर्क का फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है, तो अभी हम सेकंड शिफ्ट का रिव्यू देखेंगे। तो इंग्लिश सेक्शन में जो है 9 नंबर का ही हमारा कॉम्प्रिहेंशन आया था, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में आया। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन आया था हमारे पास 5 मार्क्स का, और एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था, वो पिछले शिफ्ट में वो 5 मार्क्स का आया था, इस बार वो 4 मार्क्स का आया। और एड ऑन हुआ है हमारे मिस स्पेल वाले जो हैं वो 5 मार्क्स के, और क्लोज टेस्ट आया 7 मार्क्स का, और बाकी ऐसे ही था। उसके बाद अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो टेबुलर DI जैसे फर्स्ट शिफ्ट में देखी गई सेम ही देखी गई, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन बस 14 मार्क्स का आया सेकेंड शिफ्ट में, और रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं आई है। इसके बदले आया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आया 6 नंबर का, और अर्थमेटिक हमारा सेम 10 मार्क्स का ही आया है। तो ओवरऑल मतलब सेम सेम ही था। उसके बाद हम बात करें सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आया, यहाँ पे आया हमारे पास मंथ बेस पज़ल आई है 5 मार्क्स की, बॉक्स बेस पज़ल आई है 5 मार्क्स की, और 3 डिजिट सीरीज आई है 5 मार्क्स की, और साथ में फ्लोर वाला जो लास्ट पिछले शिफ्ट में था वैसा ही, पर इसमें 4 फ्लोर और 2 फ्लैट वाला आया है जो कि 5 मार्क्स का है। उसके बाद साइलो यहाँ पे 4 मार्क्स का आ गया सेकेंड शिफ्ट में, और 5 मार्क्स का इनइक्वालिटी आ गया डायरेक्शन और डिस्टेंस के 2 मार्क्स का, और 1 मार्क्स का हमारा मीनिंगफुल वर्क। तो ओवरऑल यही है कि अगर आप 70+ करके आते हो एक्यूरेसी के साथ तो आपके काफ़ी अच्छे चांसेस हो जाते हैं, बट ये एक्यूरेसी के बाद की बात है। ये नहीं कि भाई आप गलत करके भी 70 करके आए हो और कह रहे हो कि भैया हम तो 70 करके आए, तो थोड़ी दिक्कत है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते रहेंगे ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ। धन्यवाद।